हेलो फ्रेंड्स, आज हम चॉकलेट बनाएंगे। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना, ये चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स के साथ में, और बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। चॉकलेट की रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है, इसे आप इजीली घर में बना सकते हैं और किसी को भी स्पेशल ओकेजन लाइक बर्थडेज, दिवाली गिफ्ट कर सकते हैं। इसका कॉस्ट काफ़ी कम आता है अगर आप चॉकलेट को घर में बनाए तो। चॉकलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मौरी का डार्क कंपाउंड लिया है, यहाँ पे थोड़े से नट्स लिए हैं, आलमंड्स लिया है मैंने। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपनी चॉइस का। मेरे पास चोको चिप्स था, वाइट चोको चिप्स, तो उसे मैंने हाफ कप ले लिया है। यहाँ पर मैंने आलमंड्स को पैन में डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने आलमंड्स को रोस्ट कर लिया है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। ये देखिए मैंने चॉकलेट को इस तरह से एकदम पतले स्क्रेप कर लिया है नाइफ की मदद से। इस तरह से आपको ऑलमोस्ट मोड़े में ऐसे स्लैब आते हैं, 3 स्लैब को ऐसे स्क्रेप कर लेना है और हमें इसे वाइट चॉकलेट के साथ मिक्स करना है। ये देखिए मैंने चॉकलेट का सिर्फ 2 ही स्लैब इस तरह से स्क्रैप कर लिया है और नीचे जो चोको चिप्स है उसी बॉल में मैंने डाल दिया है। 3 स्लैब नहीं लिया है मैंने यहाँ पर। अब हमें इसे लो टू मीडियम टेम्परेचर पे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेना है। माइक्रोवेव में रखने के बाद इसे हर 2-3 मिनट के बाद निकाल के इसे स्टर करते रहना है और फिर से इसे माइक्रोवेव में रखना है। इसी तरह से हमें जब तक इसे स्टर करना है जब तक ये पूरी तरह से अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। जब तक हमारा चॉकलेट माइक्रोवेव में मेल्ट हो रहा है मैंने यहाँ पर एक एक आलमंड हर एक चॉकलेट मोल्ड में डाल के रखा है। ये देखिए चॉकलेट थोड़ा मेल्ट हो गया है लेकिन अभी तक ये पूरी तरह से स्मूथ नहीं हुआ है, इसे हमें और मेल्ट करना है। मैंने हर 2-3 मिनट के बाद माइक्रोवेव से इसे निकाल के इसी तरह से ऐसे मिक्स करके फिर वापस इसे रख दिया था। जब तक ये पूरी तरह से स्मूथ कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही मेल्ट करते रहना है। ये देखिए चॉकलेट अब पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, कितना स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब हमें इसे चॉकलेट मोल्ड में डाल के इसे सेट करने के लिए रखना है। ये देखिए हमें हर एक मोल्ड को इसी तरह से फिल करना है और फिर इसे सेट करने के लिए रख देना है। मैंने चॉकलेट मोल्ड को फिल कर लिया है, अब मैं इसे फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख दूँगी। 10-15 मिनट में ये सेट हो जाता है। ये देखिए चॉकलेट सब सेट हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है इसका, कितनी अच्छी तरह से सेट हुआ है और एकदम इजीली निकल जा रहा है। इसी तरह से आपको सारे चॉकलेट को निकाल लेना है। ये देखिए हमारे चॉकलेट्स रेडी हो गए थे और मैंने सारे चॉकलेट्स को मोल्ड से निकाल के एक प्लेट में डाल दिया है। लग रहे हैं ना बिल्कुल बाजार जैसे ये चॉकलेट्स, इसे आप आसानी से घर में भी बना सकते हो और किसी भी ओकेशन जैसे दिवाली या बर्थडे में किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और उसका कॉस्ट भी बहुत ही कम आता है। अगर आपको मेरी ये चॉकलेट की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।